के पन्नों के बारे में घुटते बढ़ती उम्र के साथ वक्त कम रहने के गम में अमिताभ बच्चन ने दुख जाहिर करते हुए घुटन को महसूस करते हुए आधी रात हॉस्पिटल में बताया। 7 दिन से नानावती हॉस्पिटल में गुजार रहे वक्त अमिताभ बच्चन की सेहत में धीरे धीरे स्थिरता तो सही चल रही है, लेकिन श्री हरिवंश राय बच्चन अपने पिता की पंक्तियों को याद करते हुए अमिताभ ने अपने दिल की बात जाहिर की है। अमिताभ ने लिखा, जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला, कुछ देर कहीं पर बैठ कभी सोये सोच सको, जो किया कहा माना उसमें क्या बुरा भला, अब मिल रहा है और इन लम्हों में मन ने घटनाओं के शब्दों को ट्रेस किया है, घटनाएं जो स्पष्ट रूप से हो सकती है, जिनकी कल्पना कोई भी कर सकता है, विशिष्ट सटीक स्पष्टता के साथ। और आपको आश्चर्य है कि इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, आपको आश्चर्य है कि इसे अलग तरह से किया जाना चाहिए था या नहीं, लेकिन आप आश्चर्य करिए जितना भी कर सकते हैं, नसीब के फैसले नसीब के ही रहते हैं। अमिताभ बच्चन ने इस तरह से नसीब और वक्त की बात शेयर करते हुए दिल के हाल को बयां करते हुए ये बात तो बता दिया कि वाकई में बहुत तकलीफ देह है जिंदगी के इस पन्ने से गुजरना, बुढ़ापे का वो पन्ना जिसका कोई ठिकाना नहीं, कब रुक जाए। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।